अर्थ पकाते हैं तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्थ्य मोहन नमस्कार कर रहे भाई बहनों। हम इस वक्त अम्बाला लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं, अम्बाला कैंट में खड़े हैं और हम इस वक्त 73 नंबर बूथ पर हैं। तो आइए अब हम बातचीत कराते हैं यहाँ के प्रेजाइडिंग श्री रविंद्र कुमार जी हैं, प्रोफेसर भी हैं ये, इनसे बातचीत करते हैं कि प्रशासन ने किस तरह से यहाँ पर मैनेजमेंट किया है। रविंद्र जी, सुबह से आप यहाँ पर बैठे हो, सबसे पहले ये प्रशासन क्या कैसा आपको सहयोग मिला? देखिए, प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है और सवेरे से ही नहीं बल्कि जब से पोलिंग पार्टी यहाँ आई है उसके बाद पुलिस की भी गश्त समय समय पर होती रही है और जो ऑब्जर्वर हैं, जो SO हैं ड्यूटी पे, सभी अलर्ट हैं और प्रशासन का तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल पूरा सहयोग है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हमें अभी तक यहाँ पे नहीं आई और बिल्कुल पीसफुल जो है वोटिंग अभी तक चले। तो ये आप हमें ये कहिए कि कभी कभी अक्सर देखने में आता है कि EVM मशीन खराब हो गई, कुछ तरीके की दिक्कत कोई यहाँ पे इस बूथ में आपके एरिया में आई है सुबह से अभी तक? नहीं, अभी तक जहाँ तक हमारे बूथ की तो कोई ऐसी समस्या नहीं आई है और दूसरे बूथ से भी अगर कोई ऐसी समस्या होती है तो कहीं ना कहीं मैसेज हमारे पास आ जाता है। तो अभी तक कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि कोई VVPAT खराब हुई है या कोई पहले की यूनिट में कंट्रोल यूनिट में अभी तक कोई ऐसी समस्या ना हमारे यहाँ है ना ही कहीं और से भी। तो आपसे एक बार और पूछना चाहते हैं, जैसे कोई आपको दिक्कत आती है, क्या प्रशासन ने, राज्य चुनाव आयोग ने कोई नंबर आपको मुहैया कराया कि यहाँ पर कोई 19 बात होती है तो आप वहाँ पर तुरंत बात करते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसा बिल्कुल है। यदि VVPAT में या कंट्रोल यूनिट में या किसी भी बैलेट यूनिट में कोई प्रॉब्लम है तो सारे नंबर्स हमारे पास मुहैया करवाए गए हैं और उसके लिए समय समय पर जो प्रशासन ने ड्यूटीज लगाई हैं वो अपने आप भी अगर कोई दिक्कत नहीं भी आती तब भी वो एक बार कंफर्म जरूर करते हैं कि कोई ऐसी समस्या अगर आई है तो वो अपने आप भी अलर्ट है और हमारी तरफ से भी पूरा सहयोग है। जैसे ही कोई ऐसी दिक्कत आएगी हमें भी निर्देश है कि तुरंत वो प्रशासन को बताएं। तो आप हमें ये कहिए सुबह से अगर अब तक कितनी वोटिंग परसेंटेज आपके बूथों में होती है? हमारे बूथ में 73 बूथ में अभी तक 40% जो है मतदान हो चुका है। ये कितने बजे तक है? ये तकरीबन अभी 12:45 का टाइम है तो 12:45 तक अभी हमने जो चेक किया है वो 40% के करीब हो चुका है। तो आप तो भाई बहनों आपने जो देखा कि यहाँ पर बाला क्षेत्र के अंदर सभी पार्टियों के बूथ बाहर लगे हुए हैं और प्रशासन किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने में जुटा हुआ है, इसका श्रेय इलेक्शन कमीशन को जाना ही चाहिए कि किस तरह से ये हमारे मुलाजम सुबह से शाम तक यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक बात और पूछना चाहूँगा, आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा इस बार हमारे जो ARO साहब हैं, RO साहब हैं, वो पूरे खाने पीने से लेकर नहाने का सारा पूरा इंतजाम है, नाश्ते का लंच का बिल्कुल इंतजाम किया गया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। अच्छा, आप एक बात और बताना कि आपने पिछले बार भी ड्यूटियाँ की होंगी जी, तो पिछले बार के ड्यूटीज में इस बारी में क्या आपको चेंज लगता है? बिल्कुल चेंज है। एक तो प्रशासन ज़्यादा अलर्ट है इस बार और जरा जरा सी दिक्कत को भी ट्रेस आउट किया जा रहा है। अगर जरा सी भी कोई दिक्कत आती है तो वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर को निर्देश है कि यदि कोई ऐसी दिक्कत आती है तो अपनी डायरी में लिखें ताकि उसको सॉर्ट आउट किया जाए। वैसे अभी ऐसी कोई दिक्कत इस बार नहीं आई, अगर कोई दिक्कत आएगी भी तो उसको उसकी रिपोर्टिंग के लिए भी कहा गया है ताकि आगे और सुधारा जा सके। पिछली बार से जो इस बार ज़्यादा देखने में मिल रहा है, जैसे बैलेट पेपर जो मिले हैं, टेंडर बॉय बैलेट मिला है, उनका बिल्कुल रिकॉर्ड, बिल्कुल जो ट्रेनिंग करवाई गई है उसके दौरान एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर किया। तो भाइयों बहनों, आपने जब देखा कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जुटा हुआ है। डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, अर्थ प्रकाश TV, अम्बाला कैंट।